छह जमाती ऑपोजिशन अलायंस ने तहरीक तहफ़ आइन का आगाज़ कर दिया। बलूचिस्तान के शहर पशीन में ऑपोजिशन अलायंस ने पहला जलसा करते हुए मुख्तलिफ मुतालबात सामने रख दिए। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई, सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल और रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि मरकज में बनी हुई हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं समझते, ये इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। तहरीक तहफ़ आईने पाकिस्तान का आगाज हो गया। बलूचिस्तान के शहर पशीन में छह जमाती ऑपोजिशन अलायंस का पहला जलसा। ऑपोजिशन अलायंस ने मुख्तलिफ करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंसूर कर ली। करारदादों में कहा गया है कि अदलिया की आजादी और जजेस को डराने की मजम्मत करते हैं। मुल्क भर में फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नतायज मुरतब करने का ऐलान किया जाए। तमाम इदारे अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई और सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल ने अपने खिताब में कहा, हम आइन कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये जलसा अफसर शाही के खिलाफ ऐलान जंग है। अगर ये कौम लाखों की तादाद में 2 साल से जारी इस किस्तियत के खिलाफ निकलती है, यकीन रखे के अवामी अलगार के आगे बड़े बड़े पुर्ज उलट जाते हैं। जलसे में साबिक दौरे हुकूमत और निगरान हुकूमतों के इकदाम पार्लियमान में पेश करने का मुतालबा भी किया गया। बानी PTI और कारकुनान की रिहाई और मुकदमात खत्म करने के मुतालबात भी किया।